Good afternoon, students. In the session of class 12th biology, today we will study about female reproductive system. As per according to your NCERT book, this topic is next to the male reproductive system. After that, we will take gametogenesis. Okay. So regarding the previous session of male reproductive system, they were the main primary organs as well as the secondary sexual organs. Same is the case here. Let's move to female reproductive system. So this is a drawing made by me for you people, so that each and everything would be very clear to you people according to NCERT book. Let's take first of all what are the different components or the different parts of female reproductive system. Female reproductive system consists of a pair of ovaries. So there are two ovaries in human female. एंड आपको शेप नज़र आ ही रही है, तो कैसी शेप लग रही है? ये थोड़ी बादाम जैसी है ना, आमंड शेप है. एंड इन द पेल्विक रीजन, इन द एब्डोमेन एंड अलोंग विद द पेल्विक रीजन, दीज आर लोकेटेड. ओके, तो दीज टू ओवरीज, दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल. ओके, सो क्योंकि हमारे कुछ साथ में इसके अलावा भी और भी पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन हम इसको मेन ही पार्ट बोलेंगे. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाकी पार्ट्स तो जो सिस्टम में हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो किसका है? ओवरी का. और बाकी इसको असिस्ट करते हैं, मींस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज ओनली थ्रू द ओवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन इज ओनली थ्रू द ओवरी. एंड बाकी जो है दे विल टेक द अदर फंक्शन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, गेस्टेशन पीरियड कहाँ होगा, बर्थ कैनाल कहाँ है, वो सारे इसी के साथ रिलेटेड है. बट मेन फंक्शन उसका नहीं है, मेन फंक्शन सिर्फ किसका है? ओवरीज का. ओके, सो लेट्स टेक वन बाय वन. सो फर्स्ट इज ओवरीज. सो सी द पोजीशन एंड साइज, अप्रॉक्सीमेट 2 to 3, 4 सेंटीमीटर ऑफ साइज, एंड दे आर आमंड इन शेप. एंड सी हियर, दीज टू ओवरीज हैव द मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग, और दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन. एक्चुअली हम वर्ड एग यूज़ तो कर देते हैं, हर कोई यही कहता है ओवरीज का फंक्शन क्या है? एग रिलीज करना. बट दैट एग इज नॉट एक्चुअली एग, दैट इज एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, दैट वी विल टेक इन लेटेस्ट लेक्चर्स हाउ दिस ओसाइट एंड एग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ एग, दैट इज ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन ovaries. Secondly, hormone production in female, sex hormones are produced by the ovaries, and egg is not actually egg, that is released at the stage of secondary oocyte, means it is arrested. Actually उस time पर meiosis हो रही होती है, तो जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा clear हो जाएगा. तो जब एग फॉर्मेशन चल रही होती है तो सेकेंडरी ओसाइट तक आते आते वो मेटाफेज स्टेज पे जाके थोड़ा अरेस्ट हो जाता है, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती. उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो एग में कन्वर्ट किया जाता है, होता है. ओके, सो दीज ओवरीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फिटस स्टेज. जब अभी कोई लड़की जो है मदर के यूट्रस में ही रहती है, अभी वो डिवेलप ही हो रहा है फिटस स्टेज, तो अप टू 11 मंथ्स में तक उसकी जो ओवरीज है, 11 वीक तक उसकी ओवरीज जो है बन जाती हैं. और उसी टाइम पे उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो हैं ओगोनियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग. ओके, उसी टाइम पे उसमें एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो एग है, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट. एंड लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये चीज़ें तो हैं, बट ओवुलेशन नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि ओवुलेशन के लिए हमें साथ में सेक्स हार्मोन चाहिए, सो दैट विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली एट द दिस अडल्ट एज, और यू कैन से एज एडोलेसेंट एज. जब लड़की 11 बारह साल की हो जाती है, उस टाइम पे जाके उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एंड ऑल दिस, तो सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे, उस टाइम पे ओवुलेशन हो सकती है, होगी. अदरवाइज अगर हम कहें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर उसमें उसके अंदर सारे ओसाइट्स पड़े हैं तो वो तब उसमें, तो वैसा नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगी. सो फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट विल बी देयर. ओके, उसमें से भी कुछ काफ़ी ज़्यादा वो डीजनरेट कर जाते हैं, थोड़े बहुत ही उसमें से जो अब तो मीनोपोज स्टेज तक वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद वो डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. सो दिस वाज़ द फंक्शन ऑफ ओवरीज.
that is production of egg, or sorry, you can say as a secondary oocyte, and then production of female sex hormone. Okay, so when secondary oocyte or the ovum is released, that process is known as ovulation. और उसमें डिफरेंट स्टेजेस चल रही होती हैं इस टाइम ओवरी के अंदर, वो जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जब हम वो पढ़ेंगे सॉरी गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, तो उसमें वो आपको पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी कि कैसे कैसे इसके अंदर स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस वो पास होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तब जाकर वो रिलीज होता है ओवुलेशन. सो दिस इज, तो यहाँ भी हो गया प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, दैट इज पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. सो दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, एंड अदर नेम फॉर दिस इज फेलोपियन ट्यूब. एक्चुअली ये जो ओविडक्ट्स हैं, इनकी जो टिप्स हैं, दे हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट हेल्प इन द रिसीविंग द ओवम. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट आएगा और उसके बाद थोड़ा नैरो चला जाएगा. पहले ब्रॉड है और उसके बाद नैरो पार्ट आएगा. ओके, जो ब्रॉड पार्ट है इसका फेलोपियन इसका ट्यूब का, अलॉन्ग विद द फिम्ब्राई, यहाँ पे भी थोड़ा इसको सही कर देते हैं. सो ये थोड़ा ब्रॉड है, उसके बाद फिर जाके ये नैरो. ओके, सो तो ये है इन्फंडिबुलम. दिस पार्ट इज नोन एज इन्फंडिबुलम एंड द टिप पार्ट इज नोन एज फिम्ब्राई. सो इट विल हेल्प इन कैचिंग ऑफ द एग एंड देन इट विल पास थ्रू द this tube like structure, and here it is again narrow part is here. So this part before this narrow region is known as ampulla, and the after the narrow region along with the next part, that is called isthmus. So what happens when egg is released, its life is 2 to 3 days, and when this egg or secondary oocyte reaches here in ampullary region, so fertilization takes place here इन एम्पुलरी इस्थमिक रीजन. कई बार बच्चे एम्पुला लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसमें वर्ड आएगा दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक रीजन. ओके, सो फनल शेप पार्ट इज इन्फंडिबुलम, स्टार्टिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्राई, देन एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस, एंड दिस इज अ जंक्शन वेयर स्पर्म्स एंड एग विल मीट. ओके, सो this is the dome shaped structure. Next we will move to the further, that is uterus. Okay, third part is uterus. So this is first part of the uterus, that is dome shaped structure, that is called uterine fundus. Uterus hai uska ek part ho gaya fundus. Aur uterus ki jo membrane hai, it consists of three layers of membrane are there. Outer one is known as perimetrium. Outer one is known as पेरीमीट्रियम. ये थोड़ी थिन होती है, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल है, तो हम यहाँ पे दो तीन वर्ड लिख देंगे. आउटर मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, थिन है. ओके, एंड उसके बाद जो बीच वाली मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज मायोमीट्रियम. मायोमीट्रियम जो है मिडल, हम से याद कर सकते हो, मिडल मेम्ब्रेन है, थिक है, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं. और जो एंडोमीट्रियम है ये इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज टोटली ग्लैंडुलर. This layer is glandular and it is the most important part of this female reproductive system, especially the uterus, because in endometrium here the glandular tissues are present, and this is the only layer where which undergoes cyclic changes during this menstrual cycle. तो यहाँ पे जो menstrual cycle में changes आते हैं वो सारी इसकी वजह से हैं. और दूसरा उसके बाद जो साइक्लिक चेंजेस तो है ही है, और ये हेल्प करती है बच्चे की डिलीवरी में और पार्चुरेशन ऑफ और बर्थ ऑफ द चाइल्ड. इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस, जिसको हम आप लेबर पेंस भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन विल बी देयर, एंड इट्स सो इट्स हैव सम एक्स्ट्रा फंक्शंस आल्सो. सो दीज ऑल दैट इज फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, दे ऑल आर फंक्शनिंग एज एडिशनल सपोर्ट टू दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, ठीक है. ओवरीज में क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया. ओवम को किसने कैच किया, फिम्ब्राई ने. फिम्ब्राई का फनल शेप पार्ट कौन सा है, इन्फंडिबुलम. इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है, दिस फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हो गए इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस. इन्फंडिबुलम के बाद एग कहाँ मूव करेगा, एम्पुला में. एम्पुला के बाद कौन सा पार्ट आएगा, इस्थमस. एंड दिस इज द रीजन वेयर
egg and sperm will meet. Sperm will enter through the vagina and it will reach into the fallopian tube to fertilize. Okay. If fertilization is possible or the time of fertilization is there according to the menstrual cycle of human female. Next part is uterus. Uterus dome shaped part is known as uterine fundus and it is made up of this is called body of the uterus. The body of uterus is made up of three layers: perimetrium, myometrium, and innermost is the endometrium. Perimetrium is the thinnest, that is myometrium is thick and smooth muscles are there, and endometrium is glandular and it helps, it undergoes a cyclic changes during menstrual cycle and helps this strong muscular contraction with the help of this myometrium so that birth of the child can be possible. Okay, so this is the innermost layer where the अगर fertilization हो जाए तो यहाँ पे आके वो जो embryo है वो innermost layer पे जाके attach होता है, माँ और बच्चे का connection फिर यही बनेगा, वो हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे. So next move to the next part, that is cervix, and it is also tubular part, and this tubular part along with vagina and this cervical canal, they form the birth canal which helps in parturition or the delivery of the baby. So इसके अलावा जो इसके पास में जो हमारे external genitalia है, next जो हमारा topic है that is इसी में आएगा, female में ही external genitalia जो आपको हमें body में बाहर से नजर आते हैं, that consists of mons pubis, labia majora, labia minora and clitoris. These they are exactly visible in human female from the external. If we see it, then labia minora and majora, these are the cushion like structures, and clitoris is present as a finger like chota sa organ hota hai. So jo ke labia minora ke junction pe pada hota hai, urethra ke thoda sa upar aur labia minora ke paas, और कैसा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. सो उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस एंड इट इज इरेक्टाइल ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बाकी वाले पार्ट्स थे, इन सब ने इंटेग्रेट होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असिस्ट किया, उसकी हेल्प की. इन्हीं के साथ मिलता जुलता एक और पार्ट आएगा जो एक्चुअली इसमें सेक्शुअल पार्ट में नहीं है, बट दे आर द इंक्लूडेड इन द फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज memory glands. Now let's move towards the memory glands. If you see the picture here in the book of NCERT book, this is the structure of the memory gland. What are these? Nothing. These are the this is the structure of internal structure of breast. Okay, so breast ke andar jo glands hai unhi ko hum kya bolte hain, memory gland. So let's see here, and we should focus here so that it can be very clear to you. Only this diagram will be visible to you people, I think so. Is it visible to you people? So let's go for the detail of this structure of the breast or the memory glands. तो आप सबको पता ही है मेमोरी ग्लैंड्स कितना होते हैं, मतलब दो ब्रेस्ट हैं हमारे फीमेल में, तो दोनों में जो स्ट्रक्चर है ये इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलेंगे. सो मेमोरी यू विल राइट हियर दैट ये जो सारे ऑर्गन्स हैं अलोंग विद द मेमोरी ग्लैंड्स, कौन कौन से हैं, ओवरी को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, ओवरी को छोड़ के बाकी जो भी हैं, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ऑल दीज ऑल दीज कंबाइन अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, दे आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट टू दिस सिस्टम. कैसे? ओवुलेशन करने में हेल्प है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प है, प्रेगनेंसी में हेल्प है, बर्थ में हेल्प है, बर्थ ऑफ द चाइल्ड में है, और चाइल्ड केयर की भी है, वो तो मेन है क्योंकि ब्रेस्ट से ही दूध निकलेगा जिससे बच्चे की पेरेंटल केयर या चाइल्ड केयर पॉसिबल है. ओके, सो ओवरीज को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलॉन्ग विद मेमोरी ग्लैंड्स, दे असिस्ट एंड सपोर्ट आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द डिफरेंट सिचुएशंस लाइक फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, then birth of the child and then care of the child and production of milk.
Okay, so let's move to the parts of this mammary gland. Okay, so what is this mammary gland? It is showing, आप थोड़ा सा इसमें से देख लीजिए ताकि आपको वो थोड़ा स्टडी करना बाद में. इसके पार्ट्स नोट कर लीजिए. इसके पार्ट्स में देखिए क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो इनके जो पार्ट्स हैं मेमोरी, यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वोलाई, डक्ट्स, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड लास्ट में एरियोला. एरियोला जो डार्कर पार्ट है अलॉन्ग विद नेक्स्ट पार्ट इज निपल. ओके, सो दीज पार्ट्स वी विल सी हाउ दे फंक्शन हियर एंड वी विल स्टडी. सो व्हाट हैपन्स, दे आर लोकेटेड, नंबर वन हम इसको क्या लिखेंगे, दे आर लोकेटेड इन द ब्रेस्ट. मेमोरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, ब्रेस्ट में होते हैं. नंबर टू, कितने हैं, दो हैं भाई, एग्जिस्ट इन पेयर्स. क्या होता है इसमें, ग्लैंडुलर टिश्यू है इसमें सारे, और क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं और फैट है इसमें. काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन. और क्या करते हैं इसमें, चाइल्ड बर्थ में भी इसको हेल्प करते हैं, चाइल्ड केयर में हेल्प करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव हाउ दे आर इंटेग्रेटेड टूगेदर अलॉन्ग दीज डिफरेंट सेल्स और आर इंटेग्रेटेड टू परफॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड देन रिलीज ऑफ मिल्क. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे दे आर लोकेटेड इन फीमेल ब्रेस्ट, क्लियर है. नंबर टू, दे एग्जिस्ट इन पेयर. नंबर थ्री, कंपोज ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट. काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. लेकिन कब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होगी, ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ओके, चाइल्ड बर्थ के बाद ही प्रोडक्शन होगी. सो इसके अंदर जितने भी लोब्स हैं, सो दे आर नोन एज मेमोरी लोब्स. और मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है, एल्वोलाई. एल्वोलाई ही इसका फंक्शनल पार्ट है. ओके, सो लेट्स सी इन मेमोरी, डिफरेंट मेमोरी लोब्स आर देयर एंड इफ वी फोकस हियर यू विल राइट दीज पॉइंट्स. नंबर वन, मेमोरी लोब्स. मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या है वही पढ़ रहे हैं. पहले होता क्या है, ब्रेस्ट में है, पेयर में है, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं. ग्लैंडुलर टिश्यू स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या क्या है. नंबर वन, मेमोरी लोब्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतने सारे लोब्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट मेमोरी लोब्स आर देयर. मेमोरी लोब्स के आगे ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, एल्वियोलाई. ओके, जैसे छोटे छोटे सी स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, एल्वियोलाई. एल्वियोलाई ही इसका फंक्शनल, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज द फंक्शनल यूनिट. एल्वियोलाई में क्या है, सेल्स हैं. किसके बने हुए एल्वियोलाई, सेल्स है, और मिल्क सिक्रीशन का काम करते हैं, और यही हमारे मेमोरी लोब्स का बेसिक पार्ट है. यहाँ से हमारा आगे वाला सिस्टम स्टार्ट होगा. दैट इज, अब जैसे एल्वियोलाई हम बनाते हैं ना, सपोज मैंने ऐसे बना दिया. ओके, सो दिस इज वन एल्वियोलाई. सो ये इसकी डक्ट हो गई. सो दिस इज अनदर एल्वियोलाई, ये उसकी डक्ट हो गई. सो दिस इज, हेयर इज अनदर एल्वियोलाई. यही आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ. और एल्वियोलाई तो तीनों के डक्ट मिलकर एक जब कॉमन डक्ट बनाती हैं, सो दैट इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल. ओके, दैट इज व्हाट इट इज, मेमोरी ट्यूब्यूल. मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जाके क्या बनाएगी, जब ये वाली मेमोरी ट्यूब्यूल आई, दूसरी मेमोरी ट्यूब्यूल आई, तीसरी आई, तो ये सारे मिक्स होकर देन अगेन क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट. मेमोरी डक्ट विल ओपन इनटू एम्पुला एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट. सी हियर अगेन. ओके, लोब्स, एल्वियोलाई, मेमोरी इसकी डक्ट है, उसके बाद एम्पुला एंड देन लास्ट में देखिए लैक्टिफेरस डक्ट. तो ये आगे आगे जाके इसके जो पार्ट्स हैं वो कंबाइन होकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाएंगे एंड लैक्टिफेरस डक्ट विल देन ओपन इनटू निपल. ओके, सो हेयर देयर विल बी द प्रोडक्शन रिलीज ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन. एंड लैक्टेशन इज पॉसिबल only after parturation or the birth of child. Okay, so यही nipple से ही बच्चा जो दूध है वो क्या करेगा, mother का suck करेगा, और उसी से ही इसकी growth होगी.
ओके सो जो मेमोरी लोब्स हैं वो हमारे 15 से 20 के उसमें हैं, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही हैं, और तो वो आगे जाके कंबाइन होकर उसको फिर नेक्स्ट शेप में देती है। तो क्लियर, तो ये सारा चार्ट आप इसको टैबुलेटेड फॉर्म में बना सकते हैं कि ये पेयर्स में होते हैं, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन है, मेमोरी लॉब्स है, मेमोरी लॉब्स के अंदर एल्वुलाई है, एल्वुलाई जो है वही इसका फंक्शनल मेन पार्ट है, उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं वही मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उनकी जो आगे वो डक्ट्स हैं दे कम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल डक्ट, अगेन अदर डक्ट्स विल कम्बाइन टू फॉर्म मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, एंड देन अल्टीमेटली दे फॉर्म लैक्टिफेरस डक्ट विच ओपन्स इनटू निप्पल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ओके सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, इसके फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स स्टार्टिंग में फिम्ब्राई, इंफंडिबुला, एम्पुला, इस्थमस, एंड देन यूट्रस, यूट्रन फंडस, ब्रॉड पार्ट, थ्री लेयर्स उसकी ये हो गई यूट्रस की, सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, सो दे टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल, एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया एजमोन, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, एंड देन वन मोर एडिशन इज देयर, दैट इज मेमोरी ग्लैंड विच इज हेल्पिंग दिस होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज लास्ट वन इज ऑफ मेमोरी ग्लैंड एज यू हैव सीन, सो यू कैन फॉलो द पिक्चर फ्रॉम द बुक, अदरवाइज यू कैन सी हियर दैट यू कैन मेक द डायग्राम लाइक दिस इन, इफ इट इज नॉट क्लियर इन योर बुक यू कैन मेक लाइक दिस। ओके थैंक यू, मोस्ट वेलकम, इन द नेक्स्ट सेशन हैव अ नाइस डे।